महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली बिल में नहीं दी गई रियायतों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए द्वारा मंगलवार को हुई पत्रकार परिषद में दी गई। बीते लगभग एक साल पहले राज्य सरकार द्वारा कोरोना की पार्श्वभूमि पर बिजली बिल में रियायतों का आश्वासन जनता को दिया गया था। हालांकि उसके बाद सरकार अपने वादों से मुकरती नजर आई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। मंगलवार को इसी मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए ने पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जनता को रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर रही है। अगर सरकार बिजली बिल में रियायतें देगी तो जनता को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। घरगुती आर्थिक दुर्बल मध्यमवर्गीय परिवाराचे वीज कनेक्शन कापण्याचे काम या सरकारने सुरू केलं। या सरकारने कृषी धोरण 2020 जाहीर केलं। त्या धोरणामध्ये असं म्हटलं आहे की मार्च 2022 पर्यंत जुन्या थकबाकीची शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली आणि चालू फक्त बिल तेवढं भरून कोणाचेही वीज कनेक्शन कापू नका असा लेखी आदेश काढला। एकीकडे असं धोरण जाहीर केलं आणि दुसरीकडे आता संपूर्ण शेतकऱ्याच्या जुन्या थकबाकीकरता वीज कनेक्शन कापणं सुरू केलं। संपूर्ण राज्यातले ट्रान्सफॉर्मरपासून वीज कापण्यास चालू केलं। भारतीय जनता पार्टी कोरोनाच्या संक्रमणामुळे आंदोलन जेलभरो आंदोलन आम्ही स्थगित केलं, पण कोरोनाच्या संक्रमणात सरकारला फिकर नसल्यामुळं, म्हणजे कोरोनाच्या संक्रमणात जर त्यांना आंदोलन पाहिजे नसेल, त्यांना जर सरकारविरुद्ध त्या ठिकाणी रस्त्यावर लोक आले नाही असं पाहिजे असेल, तर मग या पद्धतीनं मोगलशाही पद्धतीनं वीज कनेक्शन कापून रस्त्यावर लोकांना आणण्याकरता महाविकास आघाडी ही लोकांना मजबूर करताय। गव्हाचं शेवटचं पीक आहे, शेवटचं पाणी पाहिजे आहे गव्हाला, अशा वेळी तुम्ही गहू आता घरात येतील, मिरची त्या ठिकाणी पीक उभं झालं आहे ते घरात येईल, म्हणजे जर आज वीज कनेक्शन कापले तर शेतकऱ्यांचं जवळपास मोठ्या प्रमाणावर इतकं नुकसान होईल की वर्षभर तू चालू शकणार नाही, कंबरडच मुळेल। किमान त्यांनी गहू निघू द्यायला पाहिजे होता, किमान त्यांनी मिरची निघू द्यायला पाहिजे होती आणि मग काय कारवाई करायची करायला पाहिजे होती। पत्रकार परिषद में बात करते दौरान बावनकुए ने कहा कि जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। एक ओर जहां सरकार जनता से और विरोधी पक्ष से सहयोग की उम्मीद कर रही है, वहीं दूसरी ओर गरीब किसानों और आम जनता की बिजली कनेक्शन काट रही है। ये सरासर अत्याचार है। महाराष्ट्र सरकार ने बिजली संदर्भ में पूरे राज्य में अनरेस्ट तैयार किया है। एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनता को सारे राज्य के पार्टी को अपील करते हैं कि भाई आंदोलन मत करिए, जनता को संभालिए, कोरोना के संक्रमण में जनता का साथ दीजिए। हमने कई बार आंदोलन स्थगित किए, लेकिन जिस प्रकार से पिछले चार दिन से पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने जो एक अंग्रेजों जैसा व्यवहार चालू किया, घर घर के बिजली कनेक्शन काटना चालू किया, 72 लाख परिवारों को कनेक्शन काटने का निर्णय ले रहे हैं, 42 लाख किसानों का कनेक्शन काटने का निर्णय ले रहे हैं। एक तरफ किसानों का बिजली कनेक्शन काट नहीं सकते क्योंकि IIT ने कहा है, जो मेरे सरकार हमारे सरकार में रिपोर्ट आया था कि जो बिजली का बिल किसानों को दिया है वो बराबर नहीं है, इसलिए हमने स्टे दिया था। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार और हमने 5 साल कोई भी बिजली का कनेक्शन कट नहीं किया, 8 साल से कोई वसूली नहीं की। ये सरकार पिछले 8 साल की वसूली की डिमांड कर रहे हैं और ऐसे समय में बिजली काट रहे जब अभी किसान के खेत का जो गेहूं है, चना है, खेत में मिर्ची है, फ्रूट्स है, सब्जी भाजी है,
ऐसे समय में एक ट्रांसफार्मर के ऊपर से जिसने बिजली बिल भरा उनका भी, नहीं भरा उनका भी बिजली कनेक्शन काटने का प्रयास सरकार कर रही है। और ये इतना खतरनाक है कि IIT के रिपोर्ट ने जो दिया हुआ था कि जो रिपोर्ट, जो बिजली बिल ही गलत है, बिजली बिल की मात्रा कम है लेकिन दंड ब्याज साहूकार जैसा लगाया हुआ है। इसलिए हमने सरकार ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कि बिल्कुल मत करिए, हमने 5 साल कोई कनेक्शन नहीं काटा। ये सरकार किसानों को आत्महत्या की तरफ लेकर जा रही है। अभी कोरोना के संक्रमण में आपने कहा कि लॉकडाउन और जनता को संयम रखे, लेकिन दूसरी बात सरकार जनता को भड़का रही है। इस वक्त 52 कुएं ने बताया कि कोरोना को देखते हुए आंदोलन किया जाएगा। जिस जिले में कोरोना का संक्रमण ज्यादा होगा उस क्षेत्र में आंदोलन का रूप भी छोटा होगा, वहीं जहां संक्रमण कम होगा वह आंदोलन का रूप भी बड़ा होगा। जिल्ह्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन जाहीर करणार आहोत। त्या त्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याची परिस्थिती लक्षात घेऊ। जिथे जास्त कोरोनाचं संक्रमण असेल त्या ठिकाणी 4 लोक असतील, 5 लोक असतील, पण आता आम्ही कुठेही थांबणार नाही आहोत। ज्या जिल्ह्यात कोरोनाचं संक्रमण नाही आहे त्या ठिकाणी मोठे आंदोलन होतील, आणि ज्या जिल्ह्यात संक्रमण आहे त्या जिल्ह्यामध्ये आम्ही सोशल डिस्टन्स पालन करू। आम्हाला कुणाचा जीव धोका जाण्याचा नाही आहे, पण लोक तसेही घरी मरत आहेत, त्यांची वीज नसल्यामुळे तो उन्हात होरपडतो आहे, आणि दुसरीकडे शेतकऱ्याचा गहू गेला, सारा पिकच गेला आहे, आणि त्यामुळं मरण्याची परिस्थिती आली आहे, तो उद्रेक होणारच आहे। आणि जेव्हा जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा अन्यायाविरुद्ध जर आवाज उचलला नाही तर मग त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आमच्या राजकीय पक्ष म्हणून आमची जबाबदारी आहे, अन्याय झाला तिथे आवाज उचलला पाहिजे, आणि ती आम्ही उचलल्याशिवाय राहणार नाही हेच सांगायला आलो आहे। महाराष्ट्र सरकार की बिजली कटौती के यू टर्न पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए इन्होंने महाविकास अघाड़ी को जिम्मेदार ठहराया। पत्र परिषद में बावनकुए ने साफ तौर से इशारा दिया कि कोरोना काल में अगर जनता रास्तों पर उतरेगी तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार BC News नागपुर।